शांति आज की तारीख है तेईस चार तेईस और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली तारीख है चौदह चार चौरानवे नाइन्टी फोर की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना माना स्वयं का परिवर्तन करना तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा सभा आकारी रूप की है सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है स्नेह की शक्ति से ही अभी आगे उड़ते जा रहे हैं स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से और दिल से बाप के समीप लाती है स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है ज्ञान योग धारणा उसमें यथाशक्ति नंबर वार है लेकिन स्नेह में हरेक अपने को नंबर वन अनुभव करते हैं स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है अच्छा अब मीठे मीठे स्नेह के सागर बाप दादा का ऐसा ही स्नेह भरा याद प्यार सुनेंगे तो चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही और स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को सदा ए वन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हरेक बच्चे को नाम विशेष विशेषता संपन्न यात प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यात प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अब हम सुनेंगे सतगुरु अव्यक्त बाप दादा के द्वारा वरदान तो वरदान है अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा कसरत द्वारा सुख्यम शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है इसलिए सुखम स्नेह के आवाहन से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थातम शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते कितनी अच्छी अच्छी बातें देखो मीठे मीठे बाप दादा बता रहे हैं जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए स्लोगन है स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है अच्छा ओम शांति